मृतकों के परिजनों को बांटे गए चेक। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मथुरा पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद कार द्वारा सर्किट हाउस पहुंचे और मथुरा में आई तेज आंधी से पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की गई और मृतकों के परिजनों को सांत्वना भी दी। मीडिया से रूबरू होते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस है और अपने आप में कोई भी अधिकारी लापरवाही करता हुआ पाया जाएगा तो सरकार उसे माफ नहीं करेगी। कानून व्यवस्था को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और जो भी आपदा आती है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि माननीय मंत्री जी के आदेश अनुसार वे आगरा आए हैं और यहां दैवीय आपदा में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारी जनों को 4-4 लाख रुपए के चेक दिए गए हैं। इसके बाद आगरा से अलीगढ़ और फिरोजाबाद लाइटों की तो व्यवस्था खराब पड़ी हुई है, कहीं देख रहे नहीं किसी भी प्रकार कानून व्यवस्था चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पार्टी वाले हमले हो रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस है। जो भी अधिकारी अगर इसमें लापरवाही बरता मिलेगा तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार कोताही बरतने वालों को क्षमा नहीं करेगी। कानून व्यवस्था हमारी प्रथम प्राथमिकता है। आपदा के समय जो भी संकट किसी पर आया है तत्काल उसमें राहत पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है।